शायद इसीलिए रहा होगा, लेकिन घूम फिर के बाद का टिकट वहीं चला गया। मेरी भी उम्र 71 साल हो रही है, मैंने कभी नहीं देखा कि जो कैंडिडेट लड़ता हो चुनाव अध्यक्ष का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसको अपना ही वोट नहीं मिले, उसके पार्टी का वोट नहीं मिले। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका ये वोट न मिले। सारे के सारे वोट ट्रांसफर कर दिए गए संजय सिंह को, उनकी पत्नी जीत गई। क्या अपना दल की अनुप्रिया पटेल माफिया राज को बढ़ाना चाहती हैं? जौनपुर का राज्यपाल उन्होंने सौंप दिया इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हो गया। उनके पतिदेव शाम को सबको 2 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, सब लोग अपना समर्थन दे दो संजय सिंह को। जो भी डील हुई हो, मुझे मालूम नहीं डील क्या हुई, लेकिन इसका मैं निषेध करता हूँ, इसका मैं विरोध करता हूँ, विरोध करता रहूँगा। और बीजेपी का हाईकमान से निवेदन करता हूँ, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी करने के बाद अगर अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल दोषी पाए जाते हैं तो उनके उचित सजा दी जाए उनको। और गठबंधन धर्म में रहने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि जब बात आती है माफिया की तब इनको जो भी व्यवहार होता है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन नरेंद्र मुन्ना में रेड्डी को दो बार टिकट दिया, बबलू श्रीवास्तव को दिया, और आज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष किसको बैठा दिया, मंत्रिमंडल में भी उनका नाम चल रहा है। तो मैं टेलीविजन में देखा, मैं मोदी जी से भी निवेदन करूँगा, ऐसे दागी महिला को, ऐसे जो माफिया विचार की महिला है, माफियाओं को समर्थन दे रहे, इसको अपने कैबिनेट में रखें, नहीं तो मोदी जी का नाम बहुत बड़ा है और कैबिनेट भी दागी रहेगी। मैं यही कहूँगा कि योगी जी इसका ध्यान दें, स्वतंत्र देव जी इसका ध्यान दें। मेरी बहू को जैसे अभिमन्यु को भेज दिया गया था लड़ने के लिए, भीम ने कहा कि मैं पीछे से हूँ, ऐसे जो है उसको सताया गया, बेचारी मेंटली डिस्टर्ब है, राजनीतिक हत्या उसकी की गई, उसके लिए मुझे दुख है। लेकिन समय आएगा तो उसकी उम्र अभी बहुत है, वो राजनीति में आगे जाएगी, मेरी जितनी ताकत मैं लगाऊंगा। इसी के लिए मैंने आपसे बात किया, और माफिया राज में खत्म हो, विकास हो, विकास की नीति हो। मैं जब शाम को यहाँ ट्रैफिक देखता हूँ तो बहुत परेशान होता हूँ। ये रोड चलता है मिर्जापुर से भदोही तक, फोर लेन आता है, भदोही के बाद जब जौनपुर शुरू होता है भदोही लगता है तो 2 लेन हो जाता है। क्यों? हमारे प्रतिनिधि कमजोर है, क्या बात है? 2 ब्रिज हमको बहुत अर्जेंट है, एक नईगंज में और एक यहाँ जगदीशपुर में, ये ब्रिज बनते ही नहीं जब से मैं जानने लायक हुआ है। सरकार भी तो आप ही की थी, 5 साल 4.5 साल होगी, क्या की भाजपा सरकार ने? नहीं नहीं, मतलब अभी जो सांसद जी होंगे करना चाहिए, सब करना चाहिए, डबल इंजन की सरकार सांसद, इसके बाद जौनपुर का विकास, डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद जौनपुर का विकास नहीं हुआ, 4.5 साल भाजपा की सरकार रही, उनके विधायक रहे, उनके मंत्री रहे, यहाँ के मंत्री हैं। भाजपा तब 7 साल की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस बहुत दिन रही, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमारी हम लोग प्रतिनिधियों कमजोरी एक तरह से भाजपा कमजोरी मानते हैं। अरे मैं यहाँ का विकास, भाजपा तो अभी भदोही का विकास हुआ, बनारस का विकास हुआ, आजमगढ़ का विकास हुआ, सिर्फ जौनपुर ही क्यों उपेक्षा कर दिया? यहाँ के हमारे जो एमएलए थे वो शायद कमजोर पड़े होंगे उस समय, जब बात हो रहा था। एक और सवाल, क्या बैकडोर से भाजपा या अपना दल माफिया की इनकी चाहती है? भाजपा तो बिल्कुल नहीं जाती है, अनुप्रिया पटेल चाहती है। तो क्यों नहीं, आज उन्हीं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर ये तो संदेश तो गया है कि यहाँ की पूरी भाजपा ने अब बाहुबली को समर्थन दिया, क्या नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, है? लेकिन बाहुबली को तो नहीं दिया, लेकिन कैसे क्या हुआ है इसकी सीरियस इंक्वायरी होनी चाहिए, एक कमेटी अपॉइंट होनी चाहिए, और जो भी दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे जिस पार्टी को। नहीं, योगी जी को तो पता है कि यहाँ से उनकी पत्नी जीती है, उसके बाद इस तरह की उनको मंत्री कैबिनेट में जगह दी जाएगी, कैबिनेट में जगह दी जाएगी नहीं दी जाएगी नहीं, ये तो मालूम नहीं कि किसको कमेंट जगह में नहीं क्या नहीं। जो सूत्रों द्वारा हम लोगों के पास, हमारे सांसद जी, जो सूत्रों द्वारा जो हम लोगों के पास समाचार आ रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है,
ठीक है, मैं तो नहीं बोलूंगा। अभी 3 तारीख को अपना दल ने आप ये निर्दल को समर्थन दिया, उसके बाद कमान है ले लेकर कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि अपना दल के लोगों ने निर्दल प्रत्याशी को वोट दे दिया, तो फिर जो ये वोट मिले हैं तो क्या आप मानते हैं भाजपा के लोगों ने निर्दल प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया था कि भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों ने आपके लिए वोट किया? नहीं, भाजपा के जब गठबंधन हो गया भाजपा के लोगों को वोट गया उधर, तो आपको 28 वोट तो भाजपा को मिले ना, क्योंकि 10-12 वोट भाजपा को मिले। भाजपा के वोट नहीं, आपको इंडिपेंडेंट वोट ज्यादा मिले हैं, हमको बसपा के वोट मिले हैं। तो भाजपा को वोट नहीं मिले हम, कितने वोट मिले हमको? भाजपा के 3 वोट मिले। गठबंधन का प्रत्याशी आने के बाद भी अगर चुनाव आता है तो चले गए। बताइए, अपना दल के लोग कह रहे हैं बीजेपी हमें समर्थन नहीं, क्योंकि बीजेपी कहीं गई कहां पे? जब टिकट कटा तो यहाँ के राज्यमंत्री और विधायक योगी जी कहाँ गए, तो क्या चुनाव में वो आपके साथ रहे निर्दल होने के बाद? निर्दल होने के बाद नहीं रहे ना, निर्दल तक तो रहे, 23-24 दिन तो रहे हमारे साथ, बहुत मेहनत किया, लेकिन जब गठबंधन वास हो गया सब चुप हो गए। आपने कहा कि आपने 2.5 साल में मिलकर बने सरकार बड़े बनवा दिया था, 6 साल में यहाँ नहीं करता था, तो 6 साल में केवल भाजपा की सरकार है, इसके पहले 1.5 साल तो सपा की सरकार थी, काम तो हो रहा था, फिर भाजपा आई। सांसद जी, मैं किसी का दोष नहीं ले रहा हूँ, हमारे जनप्रतिनिधियों को फाइट करना चाहिए। सांसद जी, आप किस दल में हैं? मैं पुराने अपना दल में हूँ। कृष्णा पटेल, कृष्णा पटेल, बात है कि जब कृष्णा पटेल जी को हम दोनों सांसद चुन के 2014 में थे, हटाना चाहती थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहती थी, मैंने साइन नहीं किया, इनको बहुत नाराजी हो गई, वहां से नाराज हो गई। तो वो तो गठबंधन में नहीं भाजपा में है, तो वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, तो यही मैटर है, और इसीलिए हम आपको बुलाए थे कि जो जो कुछ हुआ है आपके सामने रख दिया जाए, जिससे समाज को मालूम पड़ जाए, और हम फाइट करते रहेंगे, अभियान से भी फाइट करते रहेंगे, जो हमको विकास के लिए फाइट करते रहेंगे, अब तक चुनाव सांसद जी आपकी गाड़ी पर झंडा तो भाजपा का लगा हुआ है, अरे भाई मेरे बेटे की गाड़ी में कभी लेकर निकल जाता हूँ, तो आपने देखा होगा, भाजपा से मुझे कोई परहेज थोड़ी है, आपकी गाड़ी ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।